अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आलू गाजर मटर की रेसिपी। उसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पे 3 पाव गाजर, आधा किलो मटर यूज़ कर रही हूँ, 3 मीडियम साइज़ के आलू, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, फुल कप कुकिंग ऑयल, हाफ कप पानी, फुल टी स्पून नमक, एक बड़े साइज़ का टमाटर, 6 अदद हरी मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हल्दी एंड 1 टीस्पून सुरख मिर्च। प्रेशर कुकर में मैं सब इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो इसे मसाला भून के भी बना सकते हैं। सबसे पहले गाजर मटर, इसके साथ ही आलू, उसके बाद इसके अंदर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, पिसी हल्दी, सुरख मिर्च, नमक, और हाफ कप पानी। ये सब इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद 5 मिनट का मैं प्रेशर लगा दूंगी। पहले 5 मिनट का मैंने इसे प्रेशर लगाया था, फ्लेम मैंने इसके नीचे बंद कर दी है। ये देखें, इसका पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, सब्जी भी गल गई है। अब मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। अब मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसे अच्छे से भून लूँगी मैं। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद 2 मिनट के लिए इसे मैंने अच्छे से भून लिया था। ये देखें, सब्जी बन के तकरीबन तैयार है। अब मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी। फ्लेम बंद करने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी सी कसूरी सूखी मेथी ऐड करूंगी खुशबू के लिए, और इसे कवर अप करके रख दूंगी। आलू गाजर मटर की रेसिपी बनके तैयार है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।